आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैश मेमो शीट का डिजाइन क्रिएट करना। ये आपके सामने मौजूद है किस तरह से हमने इसको डिजाइन करना है। तो यहाँ पर कैश मेमो लिखना है, फिर दुकान का नाम लिखना है, फिर एड्रेस, फिर वो क्या काम करते हैं, फिर डेट, बिल नंबर, और ये सारी चीजें हम इसमें बनाना आज सीखेंगे। तो इसको किस तरह से करते हैं, हम यहाँ सबसे पहले जाके एक न्यू करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिख देंगे कैश मेमो। याद रहे कैश मेमो भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप बिल भी लिख सकते हैं, बिल बुक भी लिख सकते हैं, वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, दोनों में बात एक ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे एंटर करने के बाद दुकान का नाम रख दिया। सपोज चूंकि हमने इसका नाम रख दिया है न्यू अल हुसैनी कंप्यूटर्स, ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद इसका एड्रेस लिख दिया, सपोज टू बी मुस्लिम टाउन शदादपुर। उसके बाद हमने नीचे लिखना है कि भाई इनका कांटेक्ट वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो कांटेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कांटेक्ट नंबर डाल दिया, और यहाँ पे क्लिक करके दूसरा कांटेक्ट नंबर भी डाल दें अगर दो नंबर हैं तो। अभी फिलहाल एक ही लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आके यहाँ पे हमने लिखा ये बिल जिसके नाम पे बनाया जाएगा, तो टू उसमें लिखेंगे ऑब्लिक मिस्टर ऑब्लिक मिस, ठीक है, मिसेज, या ये किस के बारे में बिल है। उसके बाद नीचे एंटर करके आएंगे, उसके बाद सीरियल नंबर यहाँ लिख लेते हैं, और सीरियल नंबर के आगे आइटम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देंगे, और आइटम डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वांटिटी या यूनिट रेट ले लें, रेट, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ ले लें बीच के अंदर, और लाइन टोटल आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ अगर दिख नहीं रहा। तो ये हमने इसका बना लिया पूरा स्ट्रक्चर। अब आए इसकी डिजाइनिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट किया इसको यहाँ तक, और इसको यहाँ पे जाके अलाइन में मर्जन सेंटर कर दिया, एंड देन फिर क्लिक किया इसको यहाँ पे, और अलाइन में जाके मर्जन सेंटर कर दिया, एंड देन क्लिक किया इसको यहाँ पे, फिर अलाइन में जाके मर्जन सेंटर कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, अलाइन में जाके मर्जन सेंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हमने इसको राइट अलाइन कर दिया, और यहाँ पे से ये हमने रखा हुआ है, यहाँ पे इसको क्लिक करके सेल स्टाइल्स पे जाके एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रख दिया, और यहाँ पे जाके इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया। सेल स्टाइल्स में जाके हमने यहाँ से इसको टाइटल कर दिया, और इसको इस तरह से आगे कर दिया। और इसको भी हमने यहाँ से जाके इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। कुछ नंबर्स वगैरह के लिए अगर कलर्स वगैरह हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इस तरह से हाइलाइट हो जाएगा ना, ये तो नंबर है भाई, दूर से ही दिखने में आ जाएगा, ठीक है ना। वो तो वार्निंग की निशानी भी हो सकती है। ये देखिए इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करके इसको सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको लाइन में जाके सेंटर कर देते हैं, और यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है, और रेट पे क्लिक कर देते हैं, और क्वांटिटी यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से। अब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ऑल बॉर्डर एंड थिक बॉक्स बॉर्डर, इस तरह से हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, अब सेलेक्ट करके इसको यहाँ से हम कर देते हैं मर्जन सेंटर कर देते हैं, और इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि जिसके नाम पे बिल बनना है उसका नाम लिख दे। नीचे वाले हिस्से में जिस पे काम करना है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीरियल नंबर जनरेट करना है। एक और तरीका है सीरियल नंबर जनरेट करने का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम होम में, होम से जाएंगे हम यहाँ से सेल्स में, बल्कि नहीं एडिटिंग में, एडिटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ से फिल में, फिल से जाके हम जाएंगे कहाँ पे सीरीज में, सीरीज में जाके क्लिक करेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से, और कहाँ पे एंड करना है, सपोज 15 पे, और ये कैसे एंड पुट करना है, रोज में करना है, कॉलम्स में करना है, कॉलम्स में, ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से 1 से लेके 15 तक के नंबर जनरेट कर दिया। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कंट्रोल जेड, जो मैंने आपको बताया था, 1 2 3 लिखें और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर दें, तो ये नंबर आप अपनी मर्जी से जहाँ तक चाहें उसको जनरेट कर सकते हैं, और ये हमारे पास 50 नंबर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे हो गया। लेफ्ट राइट सेंटर कर दें इसको, यहाँ पे क्लिक करके आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ आगे सेलेक्ट करें यहाँ पे, और यहाँ से लेके इसको आप फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ा के 12 पे कर दें, और यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर थिक बॉक्स बॉर्डर कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर करेंगे टॉप बॉटम से इस तरीके से, यहाँ पर आके हमने करना है इसको सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर देना है, और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे इसका टोटल अमाउंट, नेट टोटल कर देते हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पे टैक्स लिख देंगे, फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेट होगा इसके अंदर, तो उसके बाद टैक्स अमाउंट, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट पहले कैलकुलेट हो जाएगा इसका, फिर उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है,
डिस्काउंटेड प्राइस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके टैक्स कितना लगाना है, 5% लगाना है, डिस्काउंट कितना करना है, यहाँ पे उसकी परसेंट वैल्यूज बता देते हैं। इनको सेलेक्ट करके यहाँ से कर देते हैं मर्जन सेंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके मर्जन सेंटर करेंगे और यहाँ पे जाके इसको राइट अलाइन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करके मर्जन सेंटर करेंगे, फिर उसको यहाँ से राइट अलाइन करेंगे और सेलेक्ट करके इसको राइट अलाइन करेंगे और उसको यहाँ से जाके इसको बोल्ड कर देते हैं, या बोल्ड ना भी करें तो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में यहाँ से दिखा दें या हेडिंग 4 में दिखा दें, इस तरह से भी ये कन्वर्ट किया जा सकता है। अलाइन में जाके राइट अलाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से नज़र आ रहा है। उसके बाद आप इसको ऑल बॉर्डर्स थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देंगे इसको, यहाँ से ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी ऑल बॉर्डर्स और थिक बॉर्डर्स, थोड़ा मोटा किस्म का बॉर्डर अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके कलर स्कीम को थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको हम इस तरह से कर देते हैं, जैसे कि ये टैक्स अमाउंट है तो उसको हम यहाँ से हम रेड कर देते हैं यहाँ पे, और डिस्काउंटेड को भी थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर कलर स्कीम्स की बात आए तो कलर स्कीम्स भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आप इस पर कोई कलर देना चाहें तो यहाँ पे हल्का सा हम ब्लू कलर लगा देते हैं और स्लैक्स को इसके वाइट कर देते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो ये इस तरह से नजर आएगा, थोड़ा ब्लू को हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि टेक्स्ट इसको सही नजर आए, और इस तरह से ये आपका कैश मेमो क्रिएट हो जाएगा। फिर इसमें आप कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, जैसे कि अगर ये कंप्यूटर की शॉप है तो किसी ने रैम ली है 2 GB की, ठीक है, तो उसका रेट क्या है, 1200 रुपये है, क्वान्टिटी 2 ली है, यहाँ पे 2400 रुपये का इंटर कर देंगे साथ साथ, ठीक है। बाद में फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कराएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से फंक्शन की मदद से। अब यहाँ पे करना है कि जो नंबर वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज हैं नंबर में आएंगी उनको सबको सेलेक्ट करके यहाँ से एक स्टाइल अप्लाई करना है, कॉमा स्टाइल, ताकि वो पॉइंट के बाद 2 0 भी दे दे और राइट साइड से हर 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा भी देखने को मिल जाए। मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिकली कर देगा, यानी कि आप जब भी कोई आप इसमें नंबर डालेंगे तो ऐसे ही दिखाएगा। सिमिलरली रेट को भी आपने ऐसे ही करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ तक और उसको क्लिक करके यहाँ से इसको करना है सेल स्टाइल, नंबर फॉर्मेट में जाके कॉमा स्टाइल कर देना है और यहाँ से उठा लें, सेलेक्ट कर दें यहाँ से और उसको लेफ्ट राइट सेंटर कर दें, और ये सब इसको नहीं करना कॉमा स्टाइल में। अच्छा, अगर गलती से कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सही कैसे करेंगे? अगर कोई डेटा आपको कन्वर्ट हो गया है कॉमा स्टाइल में, तो सही करने का तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर चले जाएँ और उसको दोबारा से नंबर में कन्वर्ट कर दें और डेसिमल वैल्यूज को यहाँ से कंट्रोल कर लें, ठीक है, इस तरह से सेट हो जाएगा। अब इसमें आप जब डेटा लाएंगे, सपोज टू बी हार्ड डिस्क, और यहाँ पे लिखा हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, सपोज आप लिखा 120 GB की है तो कितने की है, सपोज 1200 रुपये की है, 3 पीस है तो ये होगा 3600 रुपये। ये आप ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट खुद ही करता चला जाएगा, सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कैश मेमो कंप्लीट इस पे क्रिएट हो जाएगा और इसको आप किसी भी दुकान पे या शॉप पर या शॉपिंग मॉल में यूज कर सकते हैं बिल बना के देने के लिए, सही।